हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने लिया है 4 हरी मिर्च और ये 3 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ के। इसको रफली चॉप करके मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में, ठीक है? उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, मैंने टमाटर की और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं बारीक बारीक प्याज कट कर लूँगी 3। मैंने पहले से वॉश कर लिया है, ठीक है? इसको मैं बारीक बारीक काट के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कट कर लिया और सोया चाप को भी स्टिक से निकाल कर कट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए गाइस, मैंने स्टिक निकाल लिया है और अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। ये देखिए गाइस, तो गाइस मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो। तो सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ऑयल। मैं इतना ज़्यादा ऑयल इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं पहले सोया चाप्स को फ्राई करूँगी, ठीक है? ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया। गाइस, मैं इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, ठीक है? ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो। गाइस, ये देखिए, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको, ठीक है? जैसे मैं निकाल लूँगी, देखिए ये मैंने लाइट ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। अब इसको गाइस क्रंची नहीं करना है बिल्कुल भी, सॉफ्ट रहेगा, ये देखिए गाइस, ठीक है? इसी तरीके से आपको भी फ्राई कर लेना है। अब मैंने एक दूसरा राउंड रख दिया है फ्राई, ये भी गाइस हो गया है फ्राई। अब इसे भी मैं निकाल लूँगी, ऑयल नहीं आना चाहिए, ठीक है? अब मैं इसी ऑयल में ये प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। गाइस, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी मिक्सी के जार में और इसको ग्राइंड करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसके। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। ये देखिए गाइस, तो गाइस थोड़ी सी कढ़ाई गंदी हो गई है, कोई बात नहीं। अब इसको ऑयल को गरम कर लेंगे और मैंने ऑयल को कम भी कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं डाल दूँगी यहाँ पर ये थोड़े से साबुत गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद गाइस, जो टमाटर का मैंने प्यूरी बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब टमाटर को गाइस अच्छी तरीके से भुनेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी अब नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक, ठीक है? अच्छे से अब इसको भूनते रहेंगे 10-15 मिनट तक, टमाटर को पका लेंगे अच्छी तरीके से। तो गाइस, टमाटर को भूनते समय ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। गाइस मसाले भी देख लेते हैं। गाइस, 2 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर और 3 टेबलस्पून है धनिया पाउडर, और ज़्यादा डलता है ये धनिया पाउडर गाइस। और ये है 2 टेबलस्पून, मिनी टेबलस्पून है ये गरम मसाला पाउडर, ठीक है? तो ये टमाटर भी हमारा भून चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे 2-3 मिनट, ठीक है? तो गाइस देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है और जो मैंने ब्राउन प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो भी अब मैं डाल रही हूँ उसमें पूरा डाल के। आप फिर उसके बाद अच्छी तरीके से इसको भी साथ ही में भून लेंगे। गाइस ये देखिए, मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, ये देखिए गाइस साइड साइड से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है।
अब मैं डाल दूंगी इसमें सोया सारी, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। और कैसी बन रही है ये सोया चाप की रेसिपी ये मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, जब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए गाइज अब मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा। तो गाइज अब मैं डालूँगी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे इसको एक दो मिनट। गाइस बन चुकी है ये सोया चाप। और अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालूँगी गार्निश के लिए। तो गाइज़ आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। और जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखते रहिए उरुषा ब्लॉग आपके अपने नज़दीकी यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय।